हेलो व्यूवर्स, डेली हेल्थ टिप्स में आपका स्वागत करती हूँ। अगर आपको लगे कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया पर भी ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी आपके उम्र के हिसाब से आपको कितना सोना चाहिए। अधिकतर लोगों को ना दोस्तों ये तो पता होता है कि उन्हें जितनी नींद लेनी चाहिए थी उन्होंने उतनी नींद ली नहीं है, लेकिन कितनी लेनी चाहिए इस बात का उन्हें पता नहीं होता है। सबसे पहले तो दोस्तों आप ये जान लीजिए कि ना अच्छी नींद लेना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि दिन भर के काम के बाद आपको इससे ना सिर्फ शरीर को आराम मिलता है बल्कि अगले दिन के लिए आपको ऊर्जा यानी कि एनर्जी भी मिलती है। और ना आपकी नींद अधूरी रहने की वजह से आप अपनी किसी भी चीज़ पर अच्छे से ध्यान लगाकर काम नहीं कर पाएंगे, और थकान, दिन में नींद ना आना, बेचैनी, याददाश्त की कमी जैसी स्वास्थ्य समस्याओं से आपको जूझना पड़ सकता है। वैसे तो ना दोस्तों हमें जो है कम से कम 7 घंटों की नींद लेना बहुत ज़रूरी है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप 8 से 9 घंटे की नींद ले सकते हैं। और ऐसे भी दोस्तों आपको एक दिन में कितना सोना चाहिए या आपकी एज यानी कि आपके उम्र पर भी डिपेंड करता है। तो चलिए आज मैं आपको बता देती हूँ आपको आपके उम्र के हिसाब से कितनी नींद की ज़रूरत होती है। सब्सक्राइब करें डेली हेल्थ टिप्स को, यह बिल्कुल फ्री है। साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि आप देख पाएं हमारी हर वीडियो सबसे पहले। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं नवजात बच्चों की। देखिए, नवजात बच्चों को ना हर दिन 14 से 17 घंटों की नींद की आवश्यकता होती है। वैसे उनके लिए 11 से 13 घंटे की नींद भी पर्याप्त होती है, लेकिन दोस्तों इस बात का ध्यान रखें कि ना वो 19 घंटे से अधिक ना सोएं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं 4 से 11 महीने के शिशुओं को कितना सोना चाहिए। तो इन बच्चों के लिए ना 12 से 15 घंटे की नींद लेने की आवश्यकता होती है। कम से कम 10 घंटे भी इनके लिए पर्याप्त होते हैं। इनकी नींद कभी भी ना 18 घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए। और दोस्तों छोटे बच्चे जो कि 1 से 2 साल के होते हैं, इनके लिए ना 11 से 14 घंटे की नींद की इन्हें आवश्यकता होती है, लेकिन 9 से 16 घंटे तक की नींद इनके लिए चल सकती है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। और दोस्तों 3 से 5 साल के बच्चे जो कि स्कूल जाने की उम्र के होते हैं, उनमें ना शारीरिक गतिविधियां काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं, तो उनके लिए ना 10 से 13 घंटों की नींद की आवश्यकता होती है। 8 घंटे से कम और सती 14 घंटे से ज़्यादा की नींद इन बच्चों के लिए सही नहीं मानी जाती है। और दोस्तों 6 से 13 साल की उम्र के बच्चे जो कि स्कूल जाते हैं ना, तो इनमें जो है 9 से 11 घंटे की नींद की आवश्यकता होती है। इनके लिए 10 से कम और सती 12 से ज़्यादा घंटों की नींद सही नहीं होती है। किशोर अवस्था के बच्चे जो कि 14 से 17 साल के होते हैं, उनके लिए ना 8 से 10 घंटे की नींद की आवश्यकता होती है, लेकिन 9 से कम और सती 11 से ज़्यादा घंटों की नींद उनके लिए बिल्कुल भी सही नहीं होती है। नौजवान लोग जो कि 18 से 25 साल के होते हैं, उनके लिए ना 7 से 9 घंटे की नींद की आवश्यकता होती है, लेकिन ये लोग 6 से कम और सती दोस्तों 11 घंटे से ज़्यादा नींद नहीं ले सकते हैं, क्योंकि उनके स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है। और जो लोग ना 26 से 60 साल की उम्र के होते हैं, उनके लिए ना 7 से 9 घंटे की नींद की आवश्यकता उन्हें होती है, लेकिन 7 से कम और सती 9 से ज़्यादा घंटे उनके लिए सोना बिल्कुल भी सही नहीं होता है। और जो लोग बुजुर्ग होते हैं यानी कि 65 साल से ज़्यादा होते हैं ना दोस्तों, उनके लिए जो है 7 से 8 घंटे की नींद की उन्हें आवश्यकता होती है। इन्हें ना 5 घंटे से कम और सती 9 घंटे से ज़्यादा नहीं सोना चाहिए, ये उनके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। तो दोस्तों आपने ये तो जान लिया है कि आपको उम्र के हिसाब से कितना सोना चाहिए, लेकिन कितने बजे सोना चाहिए और कितने बजे उठना चाहिए ये जानना भी आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो देखिए दोस्तों आपको ना हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि आप रात को 9 से 10 या फिर 11 बजे के बीच सो जाएं, और आपको उठने में ना ज़्यादा देरी नहीं करनी चाहिए, और आपको सुबह ना 5 या फिर 6 बजे तक उठ भी जाना चाहिए। और ना दोस्तों जो लोग सुबह और सती शाम रनिंग करते हैं ना, उन्हें दोपहर में भी ना 1 से 2 घंटे सोना चाहिए, और आप कोशिश कीजिए कि आप हमेशा ना दोपहर में जो है 12 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में सोएं, वो भी सिर्फ 1 घंटा ही सोएं। और ना दोस्तों बहुत से लोगों के मन में ये सवाल होता है कि दोपहर में सोना हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होता है या फिर नहीं है। तो इसका जवाब ये है कि ना दोस्तों देखिए आपको इसे थोड़ा डिटेल में समझना पड़ेगा, क्योंकि ना दोपहर में सोना कोई गलत बात नहीं है, पर लेकिन अगर आप इसे अधिक मात्रा में करेंगे तो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो इसके लिए आप कोशिश कीजिए कि ना ज़्यादा से ज़्यादा नींद जो है आप रात को ही लीजिए,
और दोपहर के समय ना अगर आप सोना भी चाहते हैं तो एक से आधे घंटे से ज़्यादा आप नींद मत लीजिए। यह आपके शरीर के लिए ना बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहेगा अगर आप एक से आधे घंटे तक सोएंगे तो, लेकिन इससे ज़्यादा सोएंगे तो यह आपके लिए हार्मफुल होता है। और ना दोस्तों, हमारे बहुत से व्यूवर्स ने ना हमारे पिछले वीडियोस के कमेंट्स में हमें पूछा है कि कौन सी करवट लेकर हमें सोना चाहिए जो कि हमारे लिए सही होता है, तो इसका मैं आपको जवाब दे दूं दोस्तों। आपको ना हमेशा बाई करवट यानी कि लेफ़्ट साइड आपको सोना चाहिए, क्योंकि बाई करवट सोने से ना आपकी पाचन क्रिया में बहुत सुधार आता है। बाई करवट में सोने से उन लोगों को ज़्यादा फ़ायदा होगा जिन लोगों का पेट अक्सर ख़राब रहता है, या फिर वो लोग जो कि ना रात के समय ज़्यादा भोजन कर लेते हैं, तो उनके लिए ना रात को जो है सोते समय ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात होनी चाहिए कि वो सिर्फ और सिर्फ बाई करवट ही लेकर सोएं, ताकि उन्हें किसी भी तरह से पाचन क्रिया से जुड़ी प्रॉब्लम्स ना हो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपसे फिर मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में एक और ज़बरदस्त हेल्थ रिलेटेड वीडियो को लेकर। तब तक के लिए ईट हेल्दी एंड स्टे फिट। बाय।